दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने पांच प्रोफेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, वॉल पेंटर एंड कारपेंटर। तो दोस्तों अगर आपका भी इन पांचों में से कोई भी प्रोफेशन है और अगर टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीडियो एक बार जरूर से देखें, इंशाल्लाह आपको टेस्ट देने में कुछ हेल्प मिल सकता है। इस वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन वेल्डर के बारे में। अगर आप भी वेल्डर हैं और आप वेल्डर का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके वेल्डर टेस्ट में किस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आप देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर पर क्लिक करके मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन पर क्लिक कर लीजिए, उस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो बना के अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, मैं आज आपको वेल्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त ने शेयर किया मेरे साथ में, इनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ। इनका नाम है आबिद रजा, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ में शेयर किया, तो आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करने के लिए। तो दोस्तों इनके मदद से मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से निकाल कर लेकर आया हूँ। मे भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और मे भी नहीं भी आ सकता दोस्तों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊँ वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। इसलिए सबके साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किसी का सिमिलर रहता है, किसी का डिफरेंट डिफरेंट भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको सामने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा, उसके चार आंसर है, उसके करेक्ट आंसर भी रहेगा सामने आपका। आप वीडियो को पॉज करके आप चारों आंसर पढ़ सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको आंसर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्डिंग के दौरान कौन सी किरणें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक आदि बनाने के लिए किस वेल्डिंग विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की रबर हॉस पाइप का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन हॉस पाइप का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपों को जंग से बचाने के लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है। ओके, देखिए दोस्तों मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप उसका आंसर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आप वीडियो पॉज कर करके आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बॉल पिन हैमर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम AL में कौन सी वेल्डिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग ब्लू टॉर्च में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वेल्डिंग उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट उद्योग में सीट मेटल वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस वेल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग वेल्डिंग में किस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कर्मचारी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन आबिद भाई की तरफ से, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इन दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि एक क्वेश्चन आपको भी मिलेगा, ठीक है। सबको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलते रहता है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ कि आपके सामने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों अगर आप अपना काम में बेसिक नॉलेज भी रखते हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर से पास करिए दोस्तों। कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप इजी उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में या किसी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका कमेंट जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक का मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मुझे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाकर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।